हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा। स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा मिर्ची की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो यह बहुत ही लाजवाब लगता है। इसे आप दाल चावल या किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 मोटी वाली मिर्च लिया है। यहाँ पे आप पतली वाली मिर्च का यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। ऐसे ही मोटी वाली मिर्च यूज करें। तो मिर्च को मैंने अच्छी तरीके से धो कर के लिया हुआ है। अभी बीच में से ऐसे कट लगा कर हमें इसमें का जो बीज है उसे निकाल लेना है। बीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो बीज भी ऐसे बीच में से निकाल लें। आप चाहे तो किसी चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। बस मिर्च में से जो बीज है उसे हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिर्च में से मैंने बीज निकाल लिया है। मिर्च में एक दो बीज रह जाएगा तो उसे रहने दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोसेस से हमें मिर्च में ऐसे बीज में चीड़ा लगा लेना है और उसमें का बीज निकाल कर हमें मिर्च को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। ध्यान रहे, मिर्च में जब हम चीड़ा लगाएंगे तो उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, नहीं तो मिर्च जो है वो टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मिर्च रेडी है, तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मिर्च का भरवा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को हमें अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। कुछ सेकंड्स के लिए इन सारी चीज़ों को पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि जब हम भरवा मिर्ची खाएं तो मिर्ची में हमें कच्चे बेसन का स्वाद नहीं आए। तो बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी लाल हो जाएगा और जलने जैसा स्वाद आएगा। तो ध्यान रहे, बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है और इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें, ताकि ये पैन में नीचे लगे नहीं। कुछ लोग जो हैं वो मिर्ची में कच्चा बेसन का यूज करते हैं, जिससे स्वाद जो है बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आता है। और जब हम मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची में कच्चे बेसन का स्वाद आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बेसन को अच्छी तरीके से भून लें। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे बेसन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है और इसमें से बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे फटाफट किसी प्लेट में निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे बेसन को 1 प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मैश कर देना है, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ पड़ी हैं उसे भी मैश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से इसे मैश कर दे। तो यहाँ पे मैंने बेसन को मैश कर दिया है। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, ये आम का अमचूर पाउडर है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब सारे मसालों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, ताकि जो मसाले हैं वो बेसन में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डाल दें, ताकि ये अच्छी तरीके से बंध जाए। आप अमचूर पाउडर की जगह पर नींबू का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिला लेना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिल गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मसाले को हम साइड में रखेंगे। अब हमने जो मिर्ची तैयार करके रखा हुआ है उसे इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मसाला भी रेडी है और मिर्ची भी रेडी है। तो फटाफट से इस मसाले को हम मिर्ची में से फिल कर देंगे। मसाला फिल करते समय उंगलियों से सिर्फ प्रेस करते हुए हम दबा देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे या पकाएंगे तो इसके मसाले जो हैं वो पैन में निकले नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले को मैं किसी उंगलियों से ऐसे प्रेस करते हुए भर रही हूँ। सेम प्रोसेस से बाकी सारे मिर्चियों में हमें ये मसाला भर लेना है, ताकि जो है हम जब इसे पकाएं तो इसमें का मसाला जो है वो निकले नहीं। भरवा मिर्ची जो है वो दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे मिर्च में ऐसे मसाले जो हैं वो भर लिए हैं। ये बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे पका लेते हैं।
भरवा मिर्च को पकाने के लिए मैंने उसी पैन में वापस से तेल लिया है। बस मैंने यहाँ पे पैन को अच्छी तरीके से साफ़ करके लिया हुआ है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद हमने जो मिर्च भर के तैयार किया हुआ है उसे एक एक करके सावधानी से रख देंगे। ध्यान रहे जैसे ही हम मिर्च पैन में डालेंगे इसमें से कुछ छींटे निकलेंगे, क्योंकि मिर्च जो है वो कच्चा है तो इसमें से फटाफट से पानी रिलीज होगा तो वो मिर्च में से छटक भी सकते हैं। तो सावधानी से ऐसे हमें सारी मिर्च को पैन में रख देना है। अभी हम ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर मिर्ची को चेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा लिया है। अभी हम एक चिमटे की मदद से मिर्ची को अच्छी तरीके से पलट देंगे ताकि यह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो सावधानी से सारे मिर्ची को ऐसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्ची जो है एक तरफ से अच्छी तरीके से पक गई है। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से और पकाना है। अभी हम यहाँ पे वापस से ढक्कन लगा देंगे ताकि मिर्ची जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। 5 मिनट के लिए ही ढक्कन लगाएंगे। 5 मिनट के बाद वापस से हम ढक्कन हटाकर भरवा मिर्ची को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम मिर्ची को चेक कर लेते हैं। ध्यान रहे मिर्ची को पकाते समय हमें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्ची को वापस से पलट दिया है। अब हम ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। मिर्ची को पकाने में टोटल 15 से 20 मिनट का समय तो लगेगा ही। यहाँ पे मैंने वापस से ढक्कन हटा लिया है। मिर्ची को एक बार और पलट लेंगे ताकि मिर्ची जो है वो अच्छी तरीके से और पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मिर्ची जो है अच्छी तरीके से पक गई है। तो अभी हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो है इसमें का मसाले हैं वो अच्छी तरीके से लटपट जाए। तो वापस से मैंने ढक्कन लगा दिया है। यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा लिया है और मिर्ची हमारी जो है वो पक के बिल्कुल ही रेडी है, ये आप देख सकते हैं। तभी हम क्या करेंगे, एक बार इसे अलट पलट करके देख लेंगे। यहाँ पे मिर्ची जो है हमारी बिल्कुल ही रेडी है। तो अभी हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर हम इसे पैन में रहने देंगे तो ये इसकी कुकिंग जो है वो चलती रहेगी तो मिर्ची जलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। भरवा मिर्ची बनाते समय हमें एक दो बातों का ध्यान रखना है। पहला यह कि हमें बेसन जो है वो भूनकर यूज करना है। दूसरा, हमें मिर्ची पकाते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो मिर्ची जो है वो जलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे सारी मिर्ची को हमने अच्छी तरीके से पका लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।